माइकल दुबई किंग के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। रॉयल फैमिली के छोटे वारिस दिक्कत मत लो, कोई भी कमी नहीं रहेगी दुबई किंग के लिए। शाबाश माइकल, दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा लेकर एयरपोर्ट पर जाओ दुबई किंग को लेने। जी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस, अभी निकलता हूँ। दुबई किंग आपका स्वागत है लॉस सैंटोस में। अभी भी माइकल काफी खतरनाक स्वागत करती तो मजा आया मुझे। आगे आगे देखो, दुबई किंग होता है क्या? क्यों नहीं मेरे भाई माइकल। Yo, what is up guys? कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एक और GT5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, सामने की साइड आपको दिख रहा होगा एक कायो पेरिको का जो बंदा, जिसके साथ हम डीलिंग वगैरह करते थे, हर चीज करते थे वेपन्स वगैरह की, उस बंदे को मैंने इधर की इस साइड बुलाया। और गाइज, इस बंदे को इधर की साइड क्यों बुलाया? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है हमारे नए वाले वेपन्स वगैरह से। तो गाइज, इसको मैंने बोला कि कोई भी दिक्कत मत, सारे वेपन्स वगैरह तेरे पास पहुँचते रहेंगे ऐसे, और तू डीलिंग्स वगैरह मुझे दिलाता रहे। तो गाइज, इस बीच में इसने फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वाली न्यूज़ सुनाई, और वो ये है कि जो भाई समुद्री पायरेट्स है, जो भाई समुद्री डाकू है, उनको भाई हमारी गन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है गाइज, जो हमने सैंपल वगैरह भेजे हैं, और उनके साथ ही डीलिंग वगैरह करना चाहता है। तो उसके लिए भाई काफ़ी बड़ा ऑर्डर लेके आया, और फिर मैंने भाई इसको चिल्ड बियर पिलाई यहाँ पे आते, क्योंकि मैंने बोला भाई मेरे भाई क्या प्रॉफिट करवाने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त वाला। पर उससे पहले यहाँ पे देख तो पूरी सिक्योरिटी वगैरह खड़ी हुई है, और इसकी पार्टी वगैरह ऑन हो चुकी है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइज, इसको भाई हम काफ़ी खतरनाक ऑर्डर्स वगैरह दिलवाएंगे। और गाइज, एक और बात हुई है, मिलिट्री कर्नल का फोन आया है, तो वो बोल रहा है कि भाई तेरे वेपन्स वगैरह ने तो यहाँ पे तबाही मचा रखी है भाई, हमें भी ये वाले वेपन्स चाहिए। तो मिलिट्री वालों को फिर मैंने बोल दिया कि देखो, लीगली तरीके से मैं ये सारी चीज़ें ऑन पेपर वर्क नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा बिजनेस थोड़ा अंडरग्राउंड वाला है। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे से भाई जो भी डीलिंग्स वगैरह करेंगे भाई अंडरग्राउंड ही करेंगे, और सारी जो भी चीज़ें होगी इलीगल तरीके से हम करने वाले। तो मिलिट्री कर्नल की जो सिक्योरिटी वगैरह है उसको भी मिलने वाली काफ़ी खतरनाक वाली चीज़। और गाइज, एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज आप से लोगों के लिए कि आज आ रहा है दुबई का किंग एकदम से भाई साहब लॉस सैंटोस में। और लॉस सैंटोस में क्यों आने वाला है गाइस? क्योंकि उसको भाई साहब यहाँ पे भाई काफ़ी प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है, अपने बिजनेस वगैरह वो इस्टेब्लिश करना चाहता, तो सारी चीज़ें इधर की साइड होने वाली है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तू यहाँ पे इंजॉय कर, मेरे को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, तो वो मैं करके आता हूँ। बाकी जब तेरे को जाना हो, पूरी डीलिंग्स वगैरह मेरी सिक्योरिटी वगैरह समझा देगी। तो चीफ, मेरी बात सुन, सारा जो भी इसका मतलब जो भी इसकी पेमेंट वगैरह रहेगी, कैश वगैरह रहेगा, सारा तुम्हें पता ना कहाँ पे रखना है? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो गाइस, इन्हें पता है कि अपने गोडाउन में भाई पूरा कैश वगैरह रखना है, और सारी चीज़ें होने वाली है। पर भाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई है गाइस अभी, कि दुबई का किंग यहाँ पे आने वाला है, और अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह भी साथ में लेके आने वाला है। सारी चीज़ें काफ़ी खतरनाक वाली होने वाली है भीड़ लोगों, उससे भाई खतरनाक चीज़ ये है कि अभी तक हमारी कोई भी प्लानिंग वगैरह नहीं है। रॉयल फैमिली के छोटे वारिस का भी मेरे पास फ़ोन आया कि दुबई का किंग यहाँ पे लॉस सैंटोस में आना चाहता है, और कुछ बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश वगैरह करना चाहता है। तो मैंने कहा इतने जल्दी हम कैसे करेंगे सारे इंतजाम? तो उसने कहा जैसे भी भाई तू इंतजाम करे, करना तो पड़ेगा माइकल डिसेंटा। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं। बाकी पूरी सिक्योरिटी इधर की साइड खड़ी हुई है अपने मोहित गेमिंग की, काफ़ी ज़बरदस्त वाली, देख सकते हो, एक नंबर सिस्टम पानी सेट करने वाली है ओ ये। तो गाइज, इधर की साइड गाड़ियाँ वगैरह कुछ तो मैंने मंगा रखी, और कुछ गाड़ियाँ इधर की साइड रहती है जैसा कि आपको बताया। तो यहाँ पे खड़ी है डिफेंडर विद चमचमाते न्यू अलॉयज के साथ। तो गाइज, इसमें नए अलॉयज वगैरह डलवा दिए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि उधर की साइड जो अपना मलिबो मेंचर है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती थी, तो काफ़ी टाइम से इसका यूज़ ना आने पर यही हाल होता है। बाकी GMC तो आप सब लोगों को पता ही है, इन दिनों में हम लेके आए थे, और BMW भी यहाँ पे खड़ी हुई है, और BMW के साइड में एक चमचमाती गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है i8। तो गाइज, यही वाली गाड़ी आज जाने वाली दुबई के किंग को लेने के लिए एयरपोर्ट की साइड। और दुबई का किंग कह रहा है कि वो कुछ कमांडोज वगैरह भी लेके आने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त वाले, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। बाकी बीबी गेमिंग से भी हमारी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि भाई दुबई का किंग जो है भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, उसकी पूरी मतलब प्रिपरेशन वगैरह जो भी तुम्हें करनी है अपने भाई साहब पूरा देख के करना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई
तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो बंदा। और भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बंदा है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और भाई उस बंदे की उधर से भाई काफ़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटीज़ वगैरह भी लेके आ रहा है। तो भाई वो ट्रेड वगैरह करना चाहता है हमारे साथ, बिजनेस वगैरह करना चाहता है। तो सारी चीज़ें फिर मैंने बोली कि इससे भाई दुबई किंग को काफ़ी ख़तरनाक वाली मतलब बिजनेस वगैरह में हम उतार सकते हैं लॉस सैंटोस में। तो गाइस फिर उसने एक डील रखी कि दुनिया का बोले तो लॉस सैंटोस का जो सबसे ख़तरनाक वाला मेंशन है उसमें मेरे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ताकि न्यूज़पेपर से लेके हर मैगजीन में मेरा नाम छपना चाहिए कि दुबई किंग इन ए लॉस सैंटोस। तो भाई साहब उसके लिए अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी तगड़े करने हैं। अब तो मतलब अरेंजमेंट्स वगैरह तगड़े कैसे होंगे, सबसे पहले तो भाई हमारी सिक्योरिटी वगैरह उधर की साइड जानी चाहिए, जो प्लेबॉय मेंशन है वहाँ पे भाई काफ़ी ख़तरनाक वाले अरेंजमेंट्स वगैरह हमें करने हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए गाइज मैं इधर की साइड से निकल रहा हूँ, सीधा भाई साहब अभी पहुंचने वाले हैं हम भाई मलिबो मेंशन के उधर। और मलिबो मेंशन के उधर क्या करना है गाइस, हमें जाके कि भाई पूरी सिक्योरिटी को उधर की साइड भेजना है। तो जॉनसन को मैं उधर की साइड से भेजने वाला, और इस गाड़ी को तो गाइस अभी लेके चले या फिर अभी डिफेंडर लेके चले। गाइस मेरा मन हो रहा है आज BMW चलाने का, पर i8 भी काफ़ी प्यारी है, इतनी सारी गाड़ी आ चुकी है ना, आपने यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी गाड़ी चलानी चाहिए कौन सी नहीं। पर हम लेके चलेंगे i8, क्योंकि दुबई के किंग को भी लेने जाना है। तो भाई साहब पूरी गाड़ी का हम जाँच पड़ताल कर लेते हैं। बाकी भाई इधर की साइड देखे तो भाई पीछे के इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, इंडिकेटर चला लेते हैं। चलो भाई साहब जल चुके हैं, बाकी इधर की साइड से हम निकल चुके हैं अपनी पूरी सिक्योरिटी के सामने। देख सकते हो i8 काफ़ी तगड़ी लग रही है, एक नंबर सिस्टम पानी सेट करने वाली। चलो बढ़िया बढ़िया। और बाकी गाइज आपसे लोग बोल रहे थे कि यहाँ बाहर की साइड भी सिक्योरिटी लगाओ, तो वो भी हम काफ़ी जल्दी लगा देंगे। पर उससे पहले यहाँ पे देखते हो गेट वगैरह भी ऑटोमेटिक वाला पूरी चेंजेस वगैरह करेंगे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक सीन इधर होने वाला है। बाकी हम निकल चुके हैं अभी इधर की साइड से। तो पहले गाइज मेरे को एक और चीज़ देख के आनी है, देखो दुबई के किंग को जो भाई 2-3 मेंशन चाहिए, तो एक मेंशन तो हमारे पास इधर की साइड है। तो गाइज इसकी हम डीलिंग वगैरह उसके साथ कर सकते हैं, जो भी दिखाता हूँ मैं इधर की साइड। ये वाला पूरा मेंशन मेरे को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो गया। अरे भैंस क्यों भाई, एक तो इतने तगड़े तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना आजकल लॉस सैंटोस में, तो भाई वो वाला सीन करना। और दुबई का किंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाला है, तो भाई सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। पर उससे पहले गाइस जो हमारा ये वाला घर है इसको भाई पूरा खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी पूरी सिक्योरिटी रहने वाली है जो आने वाले उनके गेस्ट वगैरह। तो गेस्ट के लिए तो गाइस ये वाला जो अपना मेंशन है इसको हम यूज़ करने वाले हैं, हाईवे वाले मेंशन को, काफ़ी तगड़ा। तो यहाँ पे भाई पूरे बंदों को मुझे बोलना पड़ेगा जो अभी इधर की साइड आए हुए हैं कि भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और अब निकलने के लिए तैयार हो जाओ, फ्रैंकलिन के दोस्तों खूब दिन मजे मार लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं इनको बोल देता हूँ, क्योंकि इधर की साइड भाई चिल वगैरह कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो टकले अंकल भाई अब तुम्हारा टाइम हो चुका है इधर की साइड से निकलने, हम मोहतरमास यहाँ पे वक्त आ चुका है, अब मेंशन खाली कर दो, काफ़ी दिन तुमने चिल कर लिया। अच्छा भाई साहब, भाई अब ये देखो एकदम से ये सारा सीन हुआ है, तो तुम्हें कहीं और शिफ्ट करने वाला है। तुम किसी हमारे विला वाले मेंशन पे जा सकते हो, क्योंकि हम भी मान सकते हो कि तुम उसके दोस्त पकड़ो, पर ये वाला मेंशन अभी हमें खाली चाहिए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाला काम आने वाला है। ठीक है टकलू अंकल, हो सुन लो लोंडो, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेंशन मेरे को खाली चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी दुबई किंग की सिक्योरिटी वगैरह आने वाली है और काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाले हैं यहाँ पे। तो फटाफट अपना बैग वगैरह पैक करो, निकलने की तैयारी शुरू करो, ठीक है। तो भाई जिनको मैंने वार्निंग वगैरह दे दी है, तो भाई ये कह रहे हैं कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता, ये नहीं होता वो नहीं होता। बाकी फ्रैंकलिन अपने हिसाब से इनको समझा देगा, क्योंकि मैं एक मिनट भी यहाँ पे टाइम वेस्ट वगैरह नहीं कर सकता। बाकी नीचे की साइड पर एक बार देख लो तो यार साफ़ सफाई वगैरह सही तरीके से है या नहीं है, चिल वगैरह करने के लिए भाई दुबई किंग के लिए भाई काफ़ी अवाब भाई वाह, यहाँ पे नेटफ्लिक्स ऑन किया जा रहा है। तो मेरी बात सुनो ओए चड्डी बड्डी, चलो निकलो यहाँ से भाई फटाफट, बहुत हो गया सीन। अब सिस्टम थोड़ा पानी ऐसा है कि यहाँ पे आ रहे दुबई के किंग की सिक्योरिटी, तो उनके लिए मेंशन है ये पॉपकॉर्न वगैरह उठाओ और अब अपना ना विला की साइड जाओ, वहाँ पे रहना तुम्हें, ठीक है। चलो फटाफट। तो इधर की साइड से यार गाइज इनको तो मैंने बोल दिया है पूरा मेंशन अपना खाली होने वाला है। और इधर की साइड गाइज इस वाले मेंशन को आप लोग को पता ही है, हम एज ए होटल टाइप इसको यूज़ कर रहे थे, पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप होने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त वाली तबाही। तो उसके लिए भाई साहब ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी हमें इंतजाम वगैरह करने पड़ेंगे, तो वो सारे इंतजाम करने के लिए भी मलिबो मेंशन की साइड में जाने वाला हूँ। पर उससे पहले गाइज यहाँ पे जो ये PC वगैरह रखा हुआ है इसका भाई पूरा सिस्टम सोदा पानी मेरे को करना है। सिस्टम सोदा पानी बोले तो भाई यहाँ पे ना पूरी चीज़ें मेरे लॉगिन करनी पड़ेगी, सारी सिक्योरिटीज़ वगैरह का डाटा वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर होने वाली है। तो ये PC भी काफ़ी टाइम से अपना बंद पड़ा है, इसको ऑन वगैरह करते हैं, और जो भी भाई हमें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी है यहीं से मैं करने वाला हूँ, और उसके बाद आपसे लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो पूरे मेंशन को हमने खाली करवा दी और क्लीनिंग वगैरह भी इधर की साइड पूरी करवा दी। और गाइज़ अब यहाँ पे दुबई किंग के जो माफिया की सिक्योरिटी वगैरह टिकने वाली है वो इधर की साइड ही रहने वाली है, बाकी सलो साहब सारा मस्त सीन कर दिया। और गाइज़ अब निकल रहे हैं हम सीधा मलिबो मेंशन की साइड,
जहाँ पे मैंने जॉनसन को फोन वगैरह करके बोल दिया कि पूरी सिक्योरिटी को रेडी हो जा, नए वाले वेपन्स वगैरह सारी चीज़ें लेके, क्योंकि कोई भी मेरे को कैजुअलिटी अभी नहीं चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ से अब I-8 में निकल रहे हैं हम भाई। मलिबो मेंशन जस्ट पास में है, तो अभी भाई थोड़ी देर में हम उधर की साइड पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे गाइस एक नंबर सीन ये है कि भाई साहब वहाँ के लिए भाई सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी तगड़ी चाहिए होगी, तो उनके लिए मैंने नए वेपन्स वगैरह भी मंगा लिए हैं अपनी फैक्ट्री वगैरह से बोल के कि भाई उधर की साइड लेके आ जाना। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, इधर की साइड से अभी निकल चुके अपनी I-8 लेके, और I-8 का इंटीरियर बोले तो एक नंबर चीज़ें देख रहे हो। ओ ये क्या बात है भाई, काफ़ी खतरनाक वाला इंटीरियर है भाई। लकड़ियाँ वगैरह भी जा रही इधर की साइड से, पेड़ वगैरह यार काफ़ी कटने लगे यार, पेड़ वगैरह मत काटो वरना भाई जो गर्मी वगैरह फिर और भी भीषण वाली पड़ेगी। इस बार तो बस ट्रेलर था, अगली बार पिक्चर रिलीज हो जाएगी 2025 में, तो पेड़ वगैरह लगाया करो पेड़ों को। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी इधर की साइड से हम निकल चुके अपनी I-8 वगैरह लेके और अपनी सिक्योरिटी के पास काफ़ी ज़बरदस्त वाला, तो भाई गेट की भी सिक्योरिटी शायद अंदर की साइड हमने रेडी होने के लिए भेज दी ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम मलिबो मेंशन की साइड पहुँच चुके हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से अब सीधा अंदर की साइड, और जॉनसन शायद पूरी सिक्योरिटी के साथ रेडी है बिल्कुल। मेरे भाई जॉनसन ने एक नंबर सिस्टम सदा पानी सेट कर दिया, इधर की साइड पूरी सिक्योरिटी के साथ ये रेडी है। चल मेरे भाई जॉनसन एक नंबर काम करा तूने तो। और बाकी गाइस यहाँ पे ना नए वाले वेपन्स वगैरह भी हम वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए लेके जा रहे हैं, तो गाइस ये वाली पूरी सिक्योरिटी उधर की साइड जाने वाली है, और जो पीछे की साइड खड़ी हुई है गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ भाई साहब अब जाने वाला है प्लेबॉय मेंशन पे। और गाइस इधर की साइड ना अभी तो कोई मतलब ऐसा सीन नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ भी हो पाए, पर यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली गाड़ियाँ अपनी खड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक भाई, जो बीबी गेमिंग से हम लेके आए थे। और इनके पीछे की साइड देख सकते हो वेपन्स वगैरह भी लोडेड है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। इधर की साइड भाई जो अभी बात वगैरह करता हूँ मैं जॉनसन से, और पूरी सिक्योरिटी को भाई काफ़ी ख़तरनाक वाली मैं ट्रेनिंग वगैरह देने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब दुबई किंग है वो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाला बंदा, और बीबी गेमिंग से जैसा कि हमने पूछा तो उसके तेवर कुछ अलग ही है। तो मेरी बात सुन जॉनसन, कोई भी दिक्कत मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, कोई भी ड्रामा, पूरी सिक्योरिटी को समझा दे, जो भी वेपन्स वगैरह चाहिए इनको, जो भी चीज़ें चाहिए मैं सब चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, पर जब वो बंदा आए तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है? क्योंकि दुबई के शेख से तो तुझे पता ही है काफ़ी ख़तरनाक बंदा है, तो तू समझ सकता है तू वहीं का है, तो पूरी चीज़ें तेरे को अच्छे से पता होगी। तो इसलिए पूरे ऑपरेशन का चार्ज जो सिक्योरिटी का है मैं तेरे को देने वाला हूँ जॉनसन, तो सारी चीज़ तू देखने वाला मेरे भाई, और बाकी सिक्योरिटी वगैरह को उधर की साइड पहुँचा दे, और बाकी भाई ये वाले जो वेपन्स हैं इनको दे दे, जो गेट वगैरह की साइड रहेगी जो मेन एंट्रेंस पे ये वाले वेपन्स के साथ रहेगी, और पीछे की साइड के लिए मैंने स्पेशल गन्स वगैरह दी है तो उसके साथ भी हम रख सकते हैं। बाकी डिस्कशन गन्स कौन सी देनी है वो वहीं पे करेंगे, पर पूरी सिक्योरिटी को लेके अभी तेरे को निकलना कहाँ पे है, प्लेबॉय मेंशन की साइड, और मैं जा रहा हूँ उसके लिए भाई काफ़ी खतरनाक गाड़ियों का मतलब कि जो चाहिए ना वो लेने, और मैं डील करने जा रहा हूँ बैनी वगैरह से, तो वो वाली गाड़ियाँ हम यूज़ करने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाली, वो मैं तेरे को भी थोड़ी देर में बता दूंगा। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे वेपन्स वगैरह लेके, सारी गन्स वगैरह लेके तेरे को पहुँचना प्लेबॉय मेंशन की साइड, और जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है ये वाली सारी गाड़ियाँ जाएगी प्लेबॉय मेंशन की साइड, जहाँ पे भाई दुबई किंग के लिए 24 घंटे में 24 से 24 घंटों में अवेलेबल रहनी चाहिए सारी सिक्योरिटी, सारी गाड़ियाँ, हर चीज़ तेरे को काफ़ी खतरनाक तरीके से ये देखनी है। तो जितने उधर की साइड सिक्योरिटी वगैरह लेके जा, जितने मैं पूरी गाड़ियाँ वगैरह लेके उधर की साइड पहुँच रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है। तो भाई फटाफट अभी ये इधर की साइड से निकल जाएगा सारी गाड़ियों में, इनमें भाई अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह चली जाएगी, और बाकी भाई साहब अंदर की साइड मेरे को और भी सीन करने। तो गाइस यहाँ पे ऑफिस वगैरह में जो पैसा वगैरह पड़ा हुआ है ब्रीफकेस, वो मेरे को उठा के भाई यहाँ से निकलना है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है। गाइस मैं भी अब रेडी हो जाता हूँ भाई साहब, इतनी देर से भाई मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ तो पूरे पसीने में लथपथ हो चुका हूँ, और अभी मैं आज के दिन नहाया भी नहीं हूँ, तो पूरा नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद भाई काफ़ी खतरनाक वाला सीन होने वाला है, क्योंकि आज आने वाला है दुबई किंग भाई साहब लॉस सैंटोस में विद भाई नई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के साथ आने वाला है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, काफ़ी खतरनाक तो सीन होने वाले हैं। पर उससे पहले भाई साहब नहा धो के अभी नया सूट वगैरह पहन लेता हूँ, इधर की साइड तो आया ही हूँ, तो सारा सीन वगैरह भाई हमें निपटाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त सीन हो चुका है लॉस सैंटोस में एकदम से दुबई किंग की भाई साहब पूरी मतलब कि सुन के एकदम से न्यूज़। और भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने तो मेरे को बोल दिया एक सेकंड के लिए कि भाई साहब पूरा अरेंजमेंट कर दिया, अरे यार शावर में पानी बहुत ठंडा आ रहा है, बारिश हुई है ना, ठंडा पानी हो चुका बिल्डो को, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहा धो के इधर की साइड हम रेडी हो जाते हैं। जिसने इस वीडियो का एम लाइक है 500 लाइक्स का, तो आप फटाफट कंप्लीट करवा दो, और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है मेरे भाइयों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। 100 कमेंट्स का हम एम रखते हैं, तो वो तो आपसे लोग कंप्लीट करवा देते हो ऑब्वियस, तो भाई फटाफट वाला एम भी कंप्लीट करा दो, जितने हम नहा धो के भाई पूरा नया चमचमाता सूट पहन लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। लेट्स
गाइज मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ। ब्रीफ केस में मैंने पैसों का भरा हुआ ले लिया, जिससे भाई काफ़ी खतरनाक वाला हम भाई सारी चीज़ देने वाले हैं। बाकी सिक्योरिटी वगैरह को भाई जॉनसन वगैरह को मैंने बोल दिया कि पूरा भाई ट्रेंड वगैरह करके उधर की साइड तेरे को लेके जाना है। बाकी गाइज मैं सोच रहा हूँ कि सामने जो गाड़ी खड़ी है वो लेके निकलूँ, क्योंकि यार वाइट कलर का मैंने कोट पहन रखा है और i8 अपनी पूरी ऊपर से ओपन, तो गाइज मेरे को लगता है कि ये वाली गाड़ी मेरे को इधर की साइड से लेके निकलनी चाहिए। बाकी सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इधर की साइड खड़ी हुई है, भीड़ लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं। और अभी भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश वगैरह भी हुई थी, तो काफ़ी ज़बरदस्त वाले सीन तो इधर की साइड चल ही रहे हैं। और बाकी सामने की साइड देख सकते हो काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है। जॉनसन भाई काफ़ी डांट भी मार रहा है भाई साहब, अरे भैंस की यहाँ भाई पूरी क्लास लग रही है सिक्योरिटी की, और बिल्कुल हम कोई चीज़ ऐसा भी नहीं देख सकते। तो बाकी जॉनसन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पूरा समझा के तू उधर की साइड ले जा, और मैं जा रहा हूँ भी यहाँ से निकल रहा हूँ, तो सारा सीन तेरे को ही देखना है, जो भी सीन सिस्टम सुधा पानी करना, ठीक है चल ठीक है। और बाकी मैं वो वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ यार, या वो वाली या फिर पीछे वाली लेके जाऊँ यार, ये तो चल ठीक है मैं ये वाली गाड़ी उठा के लेके जा रहा हूँ i8 को दुबई की किंग के लिए, स्पेशल धुलवा के सर्विस वगैरह करवा के उधर की साइड मंगवा दियो, ठीक है चलो ठीक है। तो गाइज मैं ये वाली गड्डी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि यार ये है ओपन छत वाली, ओपन छत वाली अभी इतनी धूप में मैं नहीं निकाल सकता। कोई दिक्कत नहीं, ये वाली गाड़ी ले जाते हैं अपने बुलेट प्रूफ वाली, और अपना सूट केस अंदर रख देते हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। एक नंबर भाई साहब गोल स्टार्ट कर दिए मैंने, चलो भाई साहब एक बार अपने लेट्स गो। चल जॉनसन ठीक है, सारा सीन इन्हें समझा दे, जो भी दिक्कत पानी हो मेरे को फ़ोन वगैरह करके बता दियो, जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। चलो गाइस इधर की साइड से हम निकल चुके हैं भाई साहब बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी लेके, भाई एक नंबर सिस्टम पानी सेट करते हुए एक नंबर चीज़ें भी लोगों को ये इधर की साइड। चलो कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, अपने सुबह सुबह दो काम तो कर दिए दुबई की किंग के लिए, काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें कि भाई साहब वो इधर की साइड आ रहा, तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए अरेंजमेंट वगैरह कर दिए, उसका अरेंजमेंट है जो चल रहा है। और भाई सिक्योरिटी वगैरह के लिए अब मैं लेने जा रहा हूँ भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली गाड़ियाँ, और उससे पहले गाइस मेरे को अपने घर की साइड भी जाना है, पूरी सिक्योरिटी वगैरह को भाई काफ़ी अच्छे तरीके से भाई ट्रेंड वगैरह करके आना, कि गाइस इस टाइम पे कोई भी ऐसी फाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए जिसके बाद हमें भाई काफ़ी पछताना पड़े और हमारी पूरी डीलिंग्स वगैरह कैंसिल हो जाए दुबई किंग से। तो भाई वो सारी चीज़ें भाई बिल्कुल भी ना हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को समझानी पड़ेगी सिक्योरिटी को, और भाई अपना पूरा सिस्टम सुधा पानी जो उधर की साइड पड़ा हुआ है पैसा वगैरह, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफ़ी ज़बरदस्त वाला पैसा वगैरह जो हमने इधर की साइड से निकाला है, वो अपना शेयर जो उधर की साइड पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी भाई काफ़ी ख़तरनाक तरीके से होने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे ना गाइस कोई भी हम लड़ाई वगैरह नहीं चाहते, और भाई पूरी नज़र हमारी रोलेक्स वगैरह पे डगन बॉस पे बनी हुई है, कि किसी भी टाइम वो भाई हमारा खेल वगैरह बिगाड़ने की पूरी ट्राई करेंगे। और अगर दुबई किंग से हमारी डीलिंग्स वगैरह हो गई तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि भैंस के यहाँ उसका है भाई काफ़ी खतरनाक वाला दबदबा शहर में, और वो सारी चीज़ें भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ अगर वो पार्टनरशिप में आ जाएगा, सिक्योरिटी वगैरह जो हम मंगाते हैं वो हमें प्रोवाइड करने लग जाएगा दुबई वगैरह से, तो भाई काफ़ी खतरनाक वाला भयंकर वाला सीन तो हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, अभी से निकल रहा हूँ सीधा अपने घर की साइड, जहाँ से भाई पूरा पैसा वगैरह लोडेड कराना है, और फिर सीधा बैनी के शोरूम की साइड जाना है, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त वाली गाड़ियाँ आके मेरा वेट कर रही है, तो उनको भाई फिर सीधा ट्रक वगैरह में लोडेड करवा के इधर की साइड हमें लेके आनी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, जो कि भाई स्पेशल भाई प्रोटोकॉल्स वगैरह में यूज़ आएगी। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, अभी चलते अपने सीधा घर की साइड और वहीं पर आपसे लोगों को मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे हम अपने घर की साइड तो पहुँच कर यहाँ पे देखे तो भाई कितना सारा अपना पैसा पड़ा हुआ है, देख सकते हो भाई जो हमें मिला है जब अंडरवाटर माफिया का पूरा पैसा छीन के लाए, तो अपना शेयर हमने निकलवा के अपने घर की साइड रखवा लिया। और गाइज इन पैसों से अब मैं खरीदने वाला हूँ काफ़ी लग्जरी वाले विला वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह, काफ़ी खतरनाक खतरनाक। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी को चीफ को बुला के मैंने पूरी बातें समझा दी है, कि सिक्योरिटी के चीफ यहाँ पे कोई भी दिक्कत अभी मेरे को ऐसी नहीं चाहिए, कोई भी अटैक वगैरह हो तो पूरा डिफेंस वगैरह चाहिए मेरे को इधर की साइड, काफ़ी खतरनाक वाला सीन तो भीड़ लोगों आपसे लोगों को दिख ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पूरा पैसा पैसा फैला हुआ है पूरे कमरे में, यहाँ पे पूरा अंदर की साइड बाथरूम वगैरह में। तो भाई ये सारा सीन अभी हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एकदम से दुबई का किंग आ चुका है, तो भाई उसको भाई कोई भी मतलब कि ऐसा सिस्टम सुधा पानी ना हो, तो भाई इसलिए हमें फटाफट भाई यहाँ पे सारे काम करने पड़ रहे हैं, वरना हम आराम से भाई इस पैसे को बैंक वगैरह में या फिर कहीं फ्रैंकलिन के भाई सीक्रेट बंकर वगैरह की साइड हम रख सकते थे। बाकी चीफ मैंने तेरे को सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पे कोई भी अटैक वगैरह हो तो भाई हमें फाइट नहीं हारनी। और गाइस ये वाली सिक्योरिटी आपसे लोगों को याद ही होगी, हमने बीबी गेमिंग से ली थी, काफ़ी ज़बरदस्त वाला हमारा काम करी, और पूरे पैसों की यहाँ पे रक्षा करनी है तुम्हें, और गोल्ड वगैरह जो अंदर वाले ड्रेसी वाले रूम में रखे हैं वो भी सारे संभाल के सारी चीज़ें चल, ठीक है ना।
बाकी चल ठीक है, अभी मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। बाकी गाइस इधर की साइड से अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सारा पैसा वगैरह इधर की साइड पड़ा हुआ है। पूरा भाई गोल्ड वगैरह मैंने इधर की साइड रखवा रखा है। काफ़ी रिस्क है भाई, घर की साइड सारी चीज़ें रखी हुई है, पर कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। अब इसके बाद हमें जाना कहाँ पे, जहाँ पे हमारे भाई जो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मेरे को बोला है कि भाई एक बार ना इधर की साइड ऑफिस की साइड भी आ जाइयो, और फिर उसके बाद गाड़ियाँ वगैरह लेके जाने, और फिर दुबई के किंग भी आने वाला, तो सारी चीज़ें देखनी है। बाकी सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चारों तरफ मैंने लगवा दिया है, काफ़ी खतरनाक वाली, ताकि कहीं से भी कोई भी बंदा घुस ना पाए। और गाइस जो यहाँ पे आपको डिफेंस वगैरह खड़े रहते थे, जो यहाँ पे राइफल वगैरह की, सबको भाई प्लेबॉय मेंशन की साइड भिजवा दिया, क्योंकि वहाँ पे भाई काफ़ी खतरनाक वाला सीन होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है दुबई का किंग आने वाला है आज, और भाई साहब इधर की साइड देख सकते हो, पूरी सिक्योरिटी काफ़ी तगड़े तरीके से मैंने सेट वगैरह करवा दिया, ताकि ऊपर से कहीं से भी, ज़मीन से, आसमान से, जहाँ से भी अटैक हो तो पूरी अपनी सिक्योरिटी संभाल सके सारी चीज़ें। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम निकलते हैं भाई साहब, गाड़ी वगैरह खड़ी है सामने की साइड, तो इस वाली गड्डी को लेके हम इधर की साइड से निकलने वाले हैं। और भाई चीफ वगैरह को मैंने समझा दिया काफ़ी खतरनाक तरीके से कि कोई भी मेरे को भाई दिक्कत पानी नहीं चाहिए इस टाइम पे। बाकी यहाँ से अभी निकलते हैं, लेट्स गो भाई साहब। अपनी गड्डी देखते हो एक नंबर चमचमाती हुई, क्या बात है क्या बात है, एक नंबर सिस्टम से ज़्यादा पानी सेट करते हुए इधर की साइड से हम निकल चुके हैं भाई साहब। जो रॉयल फैमिली की छोटे वारिस ऑफिस वगैरह की साइड है, तो वहाँ पे भाई पूरा सीट वगैरह बिठाने वाले हैं जाने के बाद। और भाई पूरी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, कैसे क्या चीज़ करनी है, और कहाँ पे कौन सी गाड़ी चाहिए, और कौन सी सिक्योरिटी को कहाँ पे अब लगाना है, वो सारी चीज़ें अभी भाई हम जाके भाई डिस्कस वगैरह करने वाले हैं। और गाइस एक और चीज़ मैं आपसे लोगों को दिखाऊँ, तो सामने की साइड हमें हमारा बाइक शोरूम वगैरह दिख रहा होगा, तो इसकी ओपनिंग हम काफ़ी जल्दी दोबारा से करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा शोरूम है वो भी ऑलरेडी मतलब कि ऑलमोस्ट बन ही चुका है, और बाकी काफ़ी टाइम से देख सकते हो ये वाला शोरूम बंद भी है। बाकी एक बार अंदर की साइड भी मैं गेड़ी मार के आ जाता हूँ कि किसी ने कोई डैमेज वगैरह तो कोई चीज़ नहीं हुई यार। बाकी भाई यहाँ पे देख सकते हो सेंसर वगैरह मेरे लगे हुए हैं, तो भाई यहाँ पे देखते हो वो ही सेंसर की चीज़, जहाँ पे भाई सेंसर होते थे भाई ये वाला लॉक खुल जाता ऑटोमेटिकली, वैसे कोई भी आएगा तो नहीं खुलेगा, क्योंकि मेरा और मैनेजर का ये यहाँ पे भाई सेंसर लॉक। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई अपनी बाइक काफ़ी मस्त जगह है, एक नंबर का बाइक शोरूम है। इसमें यार गाइस हम ना अब जो इंडियन बाइक्स है वो इंपोर्ट कराने वाले, तो इंडियन बाइक्स में ना बुलेट वगैरह, KTM वगैरह, ड्यूक वगैरह, MT15 और भी भाई काफ़ी खतरनाक बाइक्स होती है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो सारी गाड़ियाँ इधर की साइड हम लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस हमने ना सामने की साइड आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सेल के लिए ये वाले भाई जो होते हैं पैम्पलेट से या फिर ये प्रमोशंस वगैरह की, ये चीज़ भी हमने बनवा ली है। ड्यूक पे हम शुरू में 20% ऑफ वगैरह भी रखने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन इधर की साइड होने वाला है। सीलिंग भी देख सकते हो एक नंबर है, मतलब पूरी चीज़ें काफ़ी खतरनाक वाली है, वीडियो को बोले तो मज़ा आ जाएगा सबको देख के। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से अभी तो निकल रहे हैं हम रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के पास, जहाँ पे भाई पूरी डिस्कस वगैरह करना है सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अभी देखनी पड़ेगी। और हमारे घर की साइड भी पूरा पैसा पड़ा हुआ है, तो सारा भाई सीन ऐसा चल रहा है ना अभी काफ़ी खतरनाक वाला। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, अब यहाँ से तो अभी हम निकल चुके हैं भाई खतरनाक तरीके से अपनी गड्डी लेके, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में आजकल घूमना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है वीडियो को। तो सारी चीज़ें हमें देखते हुए भाई साहब अभी ना बुलेट प्रूफ गाड़ी में मेरे को घूमना पड़ रहा है, और ब्लैक जेट सीरीज के तो भाई पता भी नहीं चल रहा कि माइकल डिसेंट है, क्योंकि भाई एक डेंजरस खतरा ये भी है कि रोलेक्स ने अगर उस टाइम पे अटैक वगैरह कर दिया तो काफ़ी खतरनाक वाली सीन हो जाएगी। और बाकी गाइस एक और आपको मैं अपडेट दे देता हूँ, अन्ना निकल चुका भाई रशिया के उधर की साइड पहुँच चुका है, और वहाँ पे डीलिंग्स वगैरह काफ़ी जल्दी वो काफ़ी ज़बरदस्त वाली करने वाला, तो सारा सीन उधर की साइड होने वाला है। बाकी भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, हम तो पहुँच चुके हैं बिल्डिंग की साइड, तो भाई सीधा अब चलते हैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के उधर की साइड ऑफिस की साइड, और वहीं पर आपको डिस्कस करते हुए हम देखेंगे। अब तो लेट्स गो ये गाइज, हम पहुंच चुके हैं लिफ्ट में, और आप जा रहे हैं भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मिलने के लिए, जहाँ पे हमें पूरा डिस्कशन वगैरह करना है सारी चीज़ें। बाकी रॉयल फैमिली लिखा हुआ भाई एक नंबर लग रहा है, सामने की साइड देखे तो भाई कितना खतरनाक लग रहा है, पूरी सिक्योरिटी इधर की साइड लगी हुई है रॉयल फैमिली की। तो भाई फटाफट जाके अभी डिस्कस वगैरह करना, और भाई साहब और भी चीज़ें हमें देखनी कि कौन सी चीज़ें भाई दुबई के किंग के लिए हमें करनी पड़ेगी। बाकी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस राम राम, क्या हाल है? ओहो बिल्कुल खुश, आज तो बिल्कुल है। हाँ वो चीज़ आप दिक्कत मत हो, दुबई की किंग के लिए मतलब कि जो गाड़ियाँ वगैरह घर वगैरह के उधर की सारी सिक्योरिटी वगैरह भिजवा दी है, और गाड़ियाँ भी मैं जस्ट बस जा ही रहा हूँ, जो हमारे वो जानते हो आप उसको जो बैनी है, बैनी जो उधर की साइड बिजनेस वगैरह करता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो उससे मैं कुछ गाड़ियाँ बुकिंग वगैरह करवा रहा हूँ, जिससे सर्विसिंग वगैरह के लिए हमारी कुछ गाड़ियाँ भी गई हुई है, तो वहाँ से हम काफ़ी खतरनाक वाली गाड़ियाँ लेके मैं सीधा पूछवाने वाला हूँ उनको, जो अपना प्लेबॉय मेंशन है वहाँ पे, और वहाँ पे सारा बिजनेस वगैरह अपना जो भी डीलिंग्स वगैरह होगी, जो सारी चीज़ें होगी, सोफे से लेके हर चीज़ उधर की साइड लग चुकी है, बस थोड़ी देर में भी कन्फर्मेशंस वगैरह आना बाकी है, क्योंकि एक बार ना कन्फर्म कर रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह भी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद मैं भी आपको कन्फर्म कर दूँगा।
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दिक्कत मत लो, आप सारा सिस्टम धोधा पानी में अपने हिसाब से देख लूँगा और बाकी जो डीलिंग्स वगैरह होने वाली है उसमें मेरी बात सुनो, जितना भी हमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है सिक्योरिटी वगैरह में जो भी चीज़ें, तो उसके लिए आप देख लेना अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम धोधा पानी हो चुका, बस गाड़ी आना बाकी है और रिसीव करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। आप प्ले बॉय मैंशन की साइड पहुँच जाना, कुछ दिन आप भी उधर की साइड रहने के कह रहे थे, तो आप और दुबई किंग के एक साथ ही रहने वाले हो ना उधर की साइड। चलो ठीक है, ये भी बढ़िया, तो मैं उधर की साइड से पूरी सिक्योरिटी वगैरह को लेके आने वाला हूँ, और जो दुबई किंग कह रहा है कि उसके साथ उसकी स्पेशल सिक्योरिटी आने वाली है, तो उसका भी मैंने अरेंजमेंट वगैरह कर दिया है, जो दूसरे घर की साइड अपने उधर जहाँ पे आपने मेरे को गिफ्ट किया था ना, उस घर की साइड मैंने पूरी सिक्योरिटी का मतलब बैकअप के लिए सारी चीज़ें उधर की साइड ही उनकी रहने वाली है, और जो उनके साथ सिक्योरिटी आएगी उसको भी हम उधर की साइड ही रखने वाले हैं। हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी को प्लेबॉय मेंशन में तो अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस अब रॉयल फैमिली के छोटे वारिस कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अपनी रखने वाले हैं या फिर जो दुबई किंग जो अपनी सिक्योरिटी लेके आने वाला है उसको, तो गाइस दोनों सिक्योरिटी को अलाउ करेंगे, वरना उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुरा लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी को मेरे पास ही अलाउ नहीं करे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि उसकी सिक्योरिटी तो उधर की साइड रहेगी रहेगी, पर जो बैकअप वाली उसकी और सिक्योरिटीज़ है उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिक्योरिटी को अलाउ करेंगे और एक सिक्योरिटी जो हमारी दुबई किंग से हम लेके आए थे वो वाली सिक्योरिटी को अलाउ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है, आप घर की साइड पहुंच जाओ थोड़ी देर में अपनी सिक्योरिटी के साथ, और ये वाली सिक्योरिटी इसको यहीं रहने दो, जो प्लेबॉय मेंशन की उधर की साइड जॉनसन को आप फ़ोन वगैरह करके बोल दो तो वो आपको लेने के लिए आ जाएगा इधर की साइड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है, वैसे कोई भी दिक्कत तो होगी नहीं, बाकी उधर की साइड सारी चीज़ें लगवा दी है, मिसाइल वगैरह राइफल वगैरह सारी चीज़ें उधर की साइड अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, आप कोई भी दिक्कत मत लो। जी जी हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आपको उधर की साइड पहुँच जाएगी, मैं बैनी वगैरह से बात करके आ रहा हूँ उसकी शोरूम की साइड जाके, जितने आप उधर की साइड पहुँच जाओ ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, और सिक्योरिटी को आपको बताई दिया मैंने, ये वाली सिक्योरिटी मत लेके जाना, बाकी आराम से जाओ उधर की साइड, दुबई किंग के जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह आपको भी लगते हैं कुछ करवाने के तो आप उधर की साइड करवा लो, इधर की साइड से मेरे हिसाब से तो मैंने पूरे अरेंजमेंट्स वगैरह करवा दिए, गाड़ियाँ वगैरह भी थोड़ी देर में मैं उधर की साइड लेके पहुँच रहा हूँ। ठीक है चलो, तो गाइज इधर की साइड मैंने बोल दिया, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से पूरी डीलिंग वगैरह हो चुकी है कि भाई जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं काफ़ी खतरनाक तरीके से करने हैं, कोई भी दिक्कत पानी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अब हम जा रहे हैं यहाँ से निकल चुके हैं। और गाइज सीन ऐसा हो रहा है कि काफ़ी खतरनाक वाला माहौल हो चुका है लॉस सैंटोस में, और अभी जाना मैं ऑफिस की साइड, तो हमने भाई लिफ्ट वगैरह यूज़ करनी है यहाँ पे, तो लेट्स गो। अब सो गाइस यहाँ पे से ऑफिस की साइड से तो हम निकल चुके हैं गड्डी वगैरह लेके, और भाई साहब काफ़ी खतरनाक वाली अपनी ब्लैक जर्सी के साथ गाड़ी, इसको गाइस अब बैनी के पास मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि बैनी को भी मैं दिखाने वाला हूँ कि इस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस वगैरह क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है इधर की साइड से। आराम आराम से भाई इधर की साइड से अभी निकल चुके हैं, अपनी पूरी गाड़ी को भाई काफ़ी खतरनाक वाली सर्विस वगैरह भी करवानी, क्योंकि गाइस जब से हम बीबी गेमिंग से ये वाली गाड़ियाँ वगैरह लेके आए हैं तो उसके बाद हमने एक बार भी इसकी सर्विसिंग वगैरह नहीं करवाई, और सारी चीज़ें मुझे इसमें देखनी है कि इसमें जो ऊपर की साइड ये चीज़ें लगी हुई है इस पर हम भाई और भी ज़्यादा खतरनाक वाली मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाना चाहते हैं, ताकि हम जब भी हम अपनी वाली सिक्योरिटी को ये वाली गाड़ियाँ दें तो काफ़ी चमचमाती हुई दिखे और काफ़ी ज़बरदस्त दिखे। वो सारा सीन देखते हुए इधर की साइड से अभी तो हम निकल चुके हैं, पुल की साइड से हमें चढ़ना, क्योंकि गाइस शॉर्टकट साइड से हमें चलना पड़ेगा बैनिंग पास, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आज दुबई के किंग आने वाले हैं और बीबी गेमिंग भाई से भी अभी मैंने रिसेंटली बात करी, तो वो कह रहे हैं कि भाई गन्स वगैरह का जो भी स्टॉक वगैरह तुमने बनवाया तो वो मेरे इधर भी पहुँचा देना, क्योंकि भाई काफ़ी ज़बरदस्त तुम्हारी गन्स वगैरह काफ़ी ख़तरनाक तरीके वाली जो बना रहे हो वो वाली का उन्होंने एडवांस में ऑर्डर वगैरह भी हमें दे दिया, तो वो सारी चीज़ देख लेंगे। ओके भाई, एक बाइक से हमें डीलिंग वगैरह करे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उनकी कोई नई सिक्योरिटी वगैरह आती है तो भाई उसके बारे में हम पता करते हैं और उनसे पूछेंगे कि कोई न्यू सिक्योरिटी अगर आप बना रहे हो तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म वगैरह कर देंगे, तो फिर भाई हम काफ़ी ज़बरदस्त वाली नई नई सिक्योरिटीज़ वगैरह भी लाने वाले हैं। बाकी दुबई के किंग के साथ भी आज भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली एक सिक्योरिटी वगैरह आने वाली है, ख़तरनाक वाली, जिसको देख के भाई आप तो लोग भी सकपक आ जाओगे, काफ़ी ख़तरनाक वाला सीन होने वाला है। और बोल रहे हैं कि बीबी गेमिंग ने वो वाले कमांडोज वगैरह अपने भाई साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए मंगाएं, अपनी सेफ्टी के लिए मंगाएं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बाकी यार गाड़ियाँ यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा चल रही है भैंस क्या, और हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, ब्रिज से अब सीधा पहुँच रहे हैं भाई साहब अपने बैनी की दुकान पर, बैनी की दुकान पर भाई वो हमें बुक वगैरह करनी है कुछ गाड़ियाँ, और फिर हम सीधा चलेंगे भाई साहब अपने घर की साइड, बोले तो प्ले बॉय मैंशन की साइड, जहाँ पे भाई दुबई किंग के लिए सारे अरेंजमेंट्स वगैरह हो रहे हैं,
वो सारी चीज़ें देखनी है और उसके बाद उनको वेलकम करने के लिए भी मेरे को वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। पर पहले बैनी वगैरह से जो जो गाड़ियाँ मैंने बोली है वो फटाफट उधर की साइड पहुँचा देगा। अरे उसके यहाँ कितना ट्रैफिक लगा हुआ भाई यहाँ पे, तो गाइस मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रखा है, ट्रक चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की साइड पर हम आ चुके हैं। तो सीधा भी पहुँचते भाई बैनी की दुकान पर और फिर वहीं पर मिलते हैं। जितने वीडियो का एम टारगेट है 500 लाइक्स का, तो फटाफट वो करवा दो आप से लोग और फिर आप से लोगों से मिलते हैं सीधा बैनी के पास, काफ़ी खतरनाक गाड़ियों के साथ ही हो ये। तो गाइस बैनी के गैरेज की रोड पे हम पहुंच चुके हैं, जिस रोड की भाई कितनी खस्सी हालत हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ से टूटी पड़ी है भाई इतना। भाई सही है मैं I8 नहीं लेके आया क्योंकि इधर की साइड रेनोवेशंस वगैरह चल रहा है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम पहुंच चुके बैनी के गैरेज के जस्ट बाहर और इधर की इस साइड देख सकते हो इंडस्ट्री एरिया में जो बैनी ने काफ़ी खतरनाक वाला गैरेज खोल रहा है। सेंसर वगैरह पकड़ चुके हैं गेट और अंदर हमारी गाड़ियाँ रेडी हो रही है जैसा कि देखा जाए तो भिड़ दो की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब अंदर की साइड जाते हैं और भाई यहाँ पे देखे तो बैनी का शोरूम है भाई साहब, जो विंटेज कार्स हमने बोली थी वो वाली सारी गाड़ियाँ इधर की साइड रेडी हो रही है। और भाई बाकी बैनी मेरे को सामने की साइड दिख चुका, कुछ टायर वगैरह पे वेल्डिंग वगैरह कर रहा है। तो भाई साहब जो दुबई किंग के लिए हम गाड़ियाँ रेडी करवा रहे हैं, एक दो तो आपको सामने की साइड दिख गई होगी काफ़ी खतरनाक वाली। और बैनी क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल यार, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, एकदम से इतना सारा काम दे दिया, मैं समझ सकता हूँ। आज तो भाई बैनी ने पूरे गैरेज की भी छुट्टी कर रही है, जब ये इधर की साइड पब्लिक वगैरह नहीं दिख रही। बाकी इसका टायर वगैरह में क्या हो गया? अच्छा ये वाले अलॉयज चढ़ा रहे हो भाई, क्या खतरनाक वाली गाड़ियाँ दुबई किंग के लिए हम बनवा रहे हैं। भैंस की आँख भाई देख, कितनी तगड़ी लग रही है, देख रहे हो भाई साहब कितना, एक तो कलरिंग वगैरह ग्रीडिंग वगैरह देख सकते हो, ब्लैक जेड देख सकते हो। और भाई दुबई किंग के लिए कुछ गाड़ियाँ इधर की साइड भी बन रही है और यहाँ पे देखो नीचे की साइड भाई क्या जबरदस्त चीज़ें, और इधर की साइड बोनेट वगैरह में कुछ चीज़ें करी जा रही है। तो भाई साहब ये गाड़ियाँ वगैरह बैनी ने मंगा तो दिए पर इनकी कलरिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे देखो तो भाई क्या खतरनाक गाड़ी बना दी है, निशान GTR फुल्ली मॉडिफाइड भाई, इसको तो मैं चलाने वाला हूँ अभी के अभी, मैं इस वाली गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ उधर की साइड, क्योंकि कितनी खतरनाक लग रही है भीड़ों को देखा जाए तो भाई। निशान GTR भाई स्पोर्ट्स वाली, भाई साहब कितना मस्त कलर हो गया इसका। और ये लो भाई साहब इसके इंडिकेटर्स वगैरह भी ऑन कर दिए हैं, पर यार इसके जले नहीं इंडिकेटर्स, क्या बात होगी, शायद ये भी अभी वर्किंग पे है, फिर क्या हो रहा है इसमें। आप जल गए गाइस, इंडिकेटर जल गए। मैं सोच रहा भाई इसकी पूरी गाड़ी रेडी वगैरह खड़ी है, बाकी बहनी में एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके आ रहा हूँ GTR की। तो भाई ये देखो भाई GTR भाई, देखो दुबई के किंग के लिए कितनी खतरनाक गाड़ियाँ भाई मॉडिफाइड हो रखी है भाई, कितनी जबरदस्त वाली। और नीचे की साइड जो लाइटिंग वगैरह पर्पल कलर की लग रही है भाई अलग ही भाई। ये वाली गाड़ियों की डीलिंग्स वगैरह हम बालाज गैंग से कर सकते हैं क्योंकि पर्पल गैंग वही रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी देखो जो क्या खतरनाक लग रही है, और भागने में स्पीड तो इसने बढ़वा दिया इंजन खुलवा दिया इसका, मेरे को लग रहा है भाई साहब जब इतनी खतरनाक स्पीड से भाग रही है। और देख सकते हो कितने तगड़े अलॉयज वगैरह और कितने तगड़ी लाइटनिंग वगैरह, और आगे साइड ग्रिल वगैरह देख सकते हो, साइड से देख सकते हो निशान GTR का क्या बना दिया भाई, एक नंबर चीज बना दी है निशान GTR को, तो क्या बात है भाई। चकते पटक नाम दे गिली कर दिए इधर की साइड भाई, एक नंबर सीन हो चुका। और भी गाड़ियां मैं आपसे लोगों को दिखाने वाला हूँ इधर की साइड, ये दुबई की किंग के लिए सारी गाड़ियां रेडी हो रही है और इनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए काफ़ी जबरदस्त भाई, क्या बात है। और इसको तो यहीं पर लगाना पड़ेगा, पीछे की साइड लगा दो, चलो लगा दें, क्या दिक्कत ले रहे हो, बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइवर तो हम है ही, देख रहे हो कहाँ पर चढ़ा दी हमने गड्डी, यहाँ से बस जस्ट इधर की साइड लेके। और बाकी ये वाली कौन सी गाड़ी है भाई, ये भी काफ़ी खतरनाक गाड़ियाँ भाई साहब इधर की साइड हमने जो बोली थी, मेरे को तो नाम भी नहीं पता थे बिट लोगों, बस हम मैंने बोल दीजिए रॉयल फैमिली की छोटे वाले इसने बोली थी। और इसके पहले इस वगैरह देखो प्रोटोकॉल्स के लिए ये वाली गाड़ियाँ यूज़ आने वाली है। और इसके देखो पीछे की साइड कितनी ज़बरदस्त वाली DRLs है, और आगे की लाइट्स भी मस्त और पीछे की लाइट्स भी एक नंबर है भाई साहब, खतरनाक सीन। और ये वाली गाड़ियाँ तो शायद नहीं, ये वाली गाड़ियों में से तो नहीं करवाई हमने, ये इधर वाली गाड़ियाँ ही कराई। और सबसे विंटेज कार्स जो हमें चाहिए, क्योंकि भाई दुबई की किंग को ऐसी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बैनी को बोला था कि इधर की साइड सारा सीन ऐसा ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं वर्कर वगैरह देख लो लगे हुए हैं, जो चीज़ इनमें मॉडिफाइड वगैरह बोली है। और भाई दो गाड़ियाँ तो इधर की साइड आपको दिख रही होगी काफ़ी खतरनाक तरीके से देख सकते हो, काफ़ी जबरदस्त वाले भाई, एक नंबर प्लेट वगैरह भी सब कुछ चीज़ें चेंज है बिड़ दो इन सब चीज़ों पे। बाकी बहनी कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ियाँ फटाफट तू रेडी करवा दे, और मैं जब तक ना प्लेबॉय मेंशन की साइड पहुँच रहा हूँ, जितने भाई सारा काम वगैरह फटाफट कर दे, और जैसे मैं बोलूँ तो उधर की साइड भिजवा दियो सारी गाड़ियाँ, ठीक है? चल ठीक है ठीक है। बाकी GTR रेडी है तो मैं GTR ले जाऊँ? अच्छा रेडी है, चल फिर मैं GTR को ले जाता हूँ, जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना उसको तो अपने हिसाब से पहुँचा दियो बाद में, ठीक है?
चल ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने बैनी वगैरह से बात कर ली, तो मैं GTR लेके इधर की साइड से निकल रहा हूँ और सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे इधर की साइड से रेडी हो रही है, मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रही है दुबई किंग के लिए। तो सारी चीज़ें गाइज अब धीरे धीरे होगी एकदम से, तो भाई सबका भाई एकदम से सरप्राइज़ मिला हमें भी, तो सारी चीज़ें अभी देखनी पड़ेगी। और दुबई किंग के साथ काफ़ी ज़बरदस्त वाली जो सिक्योरिटी आने वाली है वो सारा सिस्टम तो दबाने में हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा। बाकी हमारी गाड़ी वगैरह इधर की साइड खड़ी करवा दी हमने, और अब जो भी होगा सिस्टम तो दबाने को अपने हिसाब से देख लेगा। बाकी मैं तो इस गाड़ी को लेके इधर की साइड से निकल रहा हूँ GTR को, और GTR को निकल के भाई सीधा भी प्लेबॉय मेंशन की साइड मेरे को जाना है, क्योंकि प्लेबॉय मेंशन के वहाँ पे अब सिक्योरिटी वगैरह लग चुकी है, पूरा चेकअप वगैरह करना है मेरे को सिक्योरिटी वगैरह के लिए। कितना खतरनाक सीन उधर की साइड होने वाला है, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे उधर की साइड दुबई किंग के सिक्योरिटी आएगी और दुबई किंग भी आएगा तो हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। फिर पूरी सिक्योरिटी वगैरह को लेके भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तो इधर की साइड से आराम आराम से हम निकल रहे हैं, भाई कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इधर की साइड, भैंस की आँखें हो रही है भाई साहब रे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, एक तो इस वाले ब्रिज पर भैंस की आँख, इतनी देर से भाई मैं फंसा पड़ा हूँ इधर की साइड पर, कोई भी दिक्कत नहीं फिर दोगो। अभी तो चलते सीधा अपना प्लेबॉय मेंशन पे और वहाँ पे जाके भी भाई पूरा देखना। और यार ये ट्रक वगैरह देखो भाई, जब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इधर की साइड, और जैसे मुझे मौका मिल रहा है तो आप सब देख ही सकते हो, मैं GTR भी इसलिए लेके आऊँगा। इस एक तो भाई इसकी स्पीड इतनी तगड़ी है ना इस गाड़ी की, एक नंबर ज़बरदस्त वाला सीन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए भी बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, फटाफट इधर की साइड से निकलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको अपने मेंशन की साइड। लेट्स गो। तो गाइज हम प्लेबॉय मेंशन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा ट्रैफिक वगैरह पूरी सिटी में आज इतना ज़्यादा लगा हुआ है। एक तो भाई टेंशन मेरे को इस चीज़ की हो रही कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक देख के भाई क्या होगा सीन, बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइज उधर की साइड पूरा सिस्टम सुधा पानी सेट कर दिया गया, पूरी सिक्योरिटी को जो हमारी मलिबो मेंशन पे लगी हुई थी उसको इधर की साइड ला के खड़ा कर दिया गया, और आपसे लोगों को दिख भी रही होगी पूरी सिक्योरिटी सामने की साइड, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अंदर की साइड यहाँ से उसे तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन दिख रहा होगा आपसे लोगों को, चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी आके खड़ी हो चुकी है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और गाइस जो अपनी पूरी गाड़ी आने वाली बैनी से भी बात करके आया हूँ, उनके लिए मैंने ये वाला एरिया चूज़ करा, देख सकते हो इधर की साइड। और भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने ये कौन सी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी इधर की साइड, चलो बढ़िया भाई। इधर की साइड प्रोटोकॉल के लिए जो रेंज रोड्स वगैरह बोल रहे थे तो वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस इधर की साइड पधार चुकी हैं, उनकी सारी गाड़ियाँ रेंज रोड का प्रोटोकॉल इधर की साइड खड़ा हुआ है, चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह देखते तो पूरे प्रोटोकॉल पे लग चुकी है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, चलो अच्छा बढ़िया सीन बैठा रहे इधर की साइड। तो ये वाले यहाँ पे देखे तो भाई आगे की साइड इतनी सिक्योरिटीज़ वगैरह क्यों खड़ी हुई है भाई जी, सब रॉयल फैमिली की छोटी वारिस ने इधर की साइड आगे सेटअप वगैरह करवा दिया है, क्या बात है, काफ़ी ख़तरनाक सीन हो चुका है। और यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं, इनके लिए वेट वगैरह हो रहा है, शायद रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के कुछ दोस्त वगैरह लग रहे हैं शायद, ये सिक्योरिटी वगैरह का कुछ सीन होगा तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, चलो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखते हो पूरी सिक्योरिटी अपनी भाई खड़ी बैठी हुई है आराम से, और गाइस अपना भाई पूरा प्रोटोकॉल भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाला होने वाला, जो बीबी भाई की वाली सिक्योरिटी है ये काफ़ी ख़तरनाक तरीके से वेलकम करने के लिए आज जाने वाली है दुबई किंग के लिए। यहाँ पे देखते हो भाई पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे घूम रहे हैं, चलो बढ़िया यार, ये तो मस्त सेटअप करवा दिया रॉयल फैमिली की छोटे वाली इसने इधर की साइड आके, और देख सकते हो पूरी सिक्योरिटी वगैरह देख सकते हो चारों तरफ घूमने जा रही है, देख लो इधर से उधर, यहाँ से देखो पूरा व्यू दिखाऊँ तो देख सकते हो चारों तरफ गाड़ियों के इधर की साइड काफ़ी ख़तरनाक तरीके से भाई पूरे तरीके से, चलो बढ़िया। और रेंज रोड्स वगैरह गाइस अभी हम लेके जाने वाले हैं जहाँ पे भाई दुबई किंग आने वाला है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं इधर की साइड, जैसे हमारे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस आते हैं फिर हम देखने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन होने वाला है। बाकी सिक्योरिटीज़ वगैरह काफ़ी मस्त है, बाकी फ्रंट की साइड हमने अभी सिक्योरिटीज़ वगैरह भी गाइस हमने लगाई नहीं है, क्योंकि हमने जो सोचा है कि दुबई किंग जो सिक्योरिटी लेके आने वाला है अपने साथ उसको हम फ्रंट की साइड लगा देंगे, बाकी बाहर की साइड भी एक बार मैं चेक करूँ। तो गाइस हमने जो गाड़ियों के पूरे लिए यहाँ पे देखो पूरी सिक्योरिटीज़ वगैरह कम ही लगाई है, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ वगैरह जो भी मॉडिफाइड वगैरह होके आएगी उनको हम इधर की साइड लगाने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वाला स्पेस है हमारे पास। और बाकी जो भी भाई आएगा जाएगा इधर की साइड से आ जा सकता है, तो इससे इस वाली लाइन से उधर उधर की साइड ही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे तो सही सीन है कि लेट्स गो, बाहर की साइड से मैं एक बार प्रोटोकॉल वगैरह पूरे अच्छे तरीके से चेक वगैरह कर लेता हूँ, शायद रॉयल फैमिली के छोटे वाले दिख नहीं रहे, मतलब घर के अंदर की साइड ही गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ से देखो एंट्रेंस पे हमने दो सिक्योरिटी वगैरह रखी हुई है, और बाकी शुरुआत में हमने काफ़ी ज़बरदस्त वाली खतरनाक वाली पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है इधर की साइड, देख सकते हो क्या बात है सिस्टम थोड़ा पानी सेट करने वाली है। और बाकी गाइस जो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ऐसा सीन है कि अभी जो दुबई किंग वाली सिक्योरिटी आएगी उसको लगा देंगे, फिर आगे साइड और क्या ही है
बाकी इधर की साइड तो फ्रंट में तो देख सकते हो काफी खतरनाक अपना मेंशन है, प्लेबॉय मेंशन काफी जबरदस्त है, पर ये वाली सिक्योरिटी जो आएगी उसको इधर लगा देंगे और जो अपनी सिक्योरिटी उसको तो इधर की साइड ही रखेंगे। चलो बढ़िया भाई, काफी खतरनाक सीन है। और इधर की साइड तो देख सकते हो पूरा आगे की साइड चिल वगैरह या फन वगैरह के लिए भी हम कुछ चीजें मतलब स्टैब्लिश करवा सकते हैं, जैसे कि डांस वगैरह का प्रोग्राम वगैरह करवा सकते हैं उधर की साइड, और भी चीजें हम करवा सकते हैं काफी खतरनाक खतरनाक वाली। पर उससे पहले इधर की साइड देख सकते हो काफी खतरनाक वाला सीन हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे जो बंदे आए हुए हैं रॉयल फैमिली के छोटे वाले से मिलने के लिए, तो उनसे भी एक बार हम देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद देखते हैं इधर की साइड। तो भाई का मस्त सीन हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो दुबई किंग के लिए भाई पूरी चेयर वगैरह भी लगवा दिया और इनके लिए, चलो सही है दुबई किंग के भाई जो भी अरेंजमेंट्स हमने करे हैं काफ़ी खतरनाक वाले करे हैं। इधर की साइड भी देखते हो खेलने वेलने का भी पूरा प्रोग्राम हमने पूरी क्लीनिंग वगैरह इधर की साइड करवा दी है, वर्कर्स वगैरह बैठे हुए अभी तो इधर की साइड। चलो बढ़िया भाई, तो यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह भी चल चुका है, देखिए तो काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो चुका है। और इधर की साइड पूरा सिस्टम सदा पानी, मेरे हिसाब से तो भाई पूरी प्लानिंग्स वगैरह हो चुकी है। अब जैसे फ़ोन आता तो फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए दुबई किंग को लेने के लिए। बाकी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस का वेट करते हैं, जितने ये भी बंदे मिलने के लिए आए हुए हैं उनसे तो सारी डीलिंग्स वगैरह कर लेते हैं और फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। जितना आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, जो मेरे भाई ने किया तो 500 लाइक्स पे इस वीडियो पे मैं फटाफट वो कंप्लीट करा दो और 100 कमेंट्स भी फटाफट करो, फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। क्योंकि आज आने वाला दुबई किंग अपनी काफी खतरनाक वाली सिक्योरिटी के साथ, तो काफी ज्यादा मजा आता आने वाला वीडियो को, लेट्स गो। सो गाइस इधर की साइड से अभी तो निकल रहे अपने प्लेबॉय मेंशन की साइड से, क्योंकि दुबई के किंग भाई थोड़ी देर में अभी पहुंचने वाले उधर की साइड, तो उनको रिसीव करने के लिए अपनी गाड़ी निकल चुकी है रेंजर। और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह देखते हो कितने तगड़े तरीके से लगी हुई है, काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो रखा है। बिल्कुल इधर की साइड तो गेट वगैरह भी खुलवा दिया हमने, और बाकी अभी इधर की साइड से ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करने के लिए हम निकल चुके हैं। काफ़ी खतरनाक वाला वेलकम होने वाला है, एक रेंजर मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी सिक्योरिटी वगैरह को मैंने बोल दिया है कि सीधा उधर की साइड पहुँचे, क्योंकि भाई जैसे भाई दुबई के किंग उधर की साइड पहुँचेंगे तो पूरा सीन हम करने के लिए बिठाने के लिए उधर की साइड पहुँच जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, आराम आराम से इधर की साइड से हम तो रेंज रोड वगैरह लेके निकल चुके हैं। और रेंज रोड का इंटीरियर वगैरह भी देखते हो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। एक और सीन ऐसा हो चुका है कि बालाज गैंग का एक काफ़ी तगड़ा लफड़ा हो चुका है, तो वो सारे लफड़े में गाइस अभी हम नहीं पढ़ना चाहते, तो उनको भी हमने बोल दिया कि अभी हमें कोई भी दिक्कत पानी ऐसी नहीं चाहिए, अपना सिस्टम खुदा पानी अपने आप पूरा करो, क्योंकि भाई साहब अभी हम खुद इतने काफ़ी खतरनाक दिक्कत में फंसे हुए हैं। अभी कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से अभी सीधा चलते हैं भाई अपने एयरपोर्ट वाली लाइन पर, एयरपोर्ट वाली लाइन पर चढ़ के फिर सीधा मिलते हैं आप लोगों को दुबई किंग यहाँ पे आने वाला है एयरपोर्ट पे नई वाली सिक्योरिटी के साथ। तो सीधा उधर की साइड ही मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं दुबई किंग को लेने के लिए, और सामने खड़े हैं हमारे भाई साहब यहाँ पे दुबई किंग, और बात वगैरह कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस क्यों नहीं आए तो लेने के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि वो आपके अरेंजमेंट्स वगैरह करने में लगे हुए हैं, आपकी सेफ्टी को देखते हुए हमने सारे डिसीजंस वगैरह ये सारी चीज़ें ली है, तो आप समझो हमारी थोड़ी सी बात। बाकी आपकी सिक्योरिटी काफ़ी मस्त है दुबई किंग, बोले तो भाई एक नंबर सिस्टम सेट करने वाली चीज़ लेके आए हो आप भी। और बाकी आपको सिक्योरिटी पीछे जो दिख रही होगी पहचानी पहचानी लगी रही होगी, जो हमने बीबी गेमिंग भाई से ली थी, तो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन है बीबी भाई के साथ भी हो, तो वो हमें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी खतरनाक खतरनाक चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही ली थी बीबी गेमिंग से, जब आप मिलने गए थे ना तो उधर की साइड हमने ये वाली जो सिक्योरिटी है इसकी डील वगैरह करी थी, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी आपकी जो पीछे की साइड जो कमांडोज दिख रहे हैं काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं, दुबई के कमांडोज जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल दुबई किंग माफिया आपके फोटोशूट के लिए तो ये सारी चीज़ें लगवाई गई है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई पीछे की साइड पूरी सिक्योरिटी वगैरह आ रखी है। बाकी दुबई माफिया मैं एक इजाज़त चाहता हूँ, अगर आप अगर कोई अतराज ना करे तो मैं आपकी सिक्योरिटी को बहुत क्लोज लुक से देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को अच्छी तरीके से उनके आउटफिट वगैरह दिख नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे मेरे को परमिशन मिल चुकी है, और यहाँ पे देखो भाई दुबई किंग की नई वाली सिक्योरिटी जो बीबी गेमिंग भाई साहब के कहने पे हमारे पे लिए लेके आए हैं, क्योंकि भाई बीबी गेमिंग ने ये वाली सिक्योरिटी ली है, तो उनको भाई हमने बोला था कि हमें 5-स्टार वाली ये वाले ऑफिसर्स वगैरह काफ़ी खतरनाक वाली जो मिलिट्री बेस में मिलती है वो वाली चीज़ें वाली ये वाली सिक्योरिटी है। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। पीछे की साइड भी देखें ये देखो भाई, और वेपन्स वगैरह भी इनके पास, ये वाले वेपन्स वगैरह भी हैं, काफ़ी खतरनाक लग रही है। और पीछे देख सकते हो पूरे भाई प्लेन में देख सकते हो हमारी सिक्योरिटी वगैरह बैठी हुई है काफ़ी खतरनाक तरीके से भाई। क्या बात है क्या बात है, काफ़ी खतरनाक वाला सिस्टम सदा पानी हो रखा है इधर की साइड। तो देखो जी वैगन्स वगैरह पे कैसे खड़े हो चुके हैं, एक पोज के लिए बोला भाई यहाँ पे फोटोशूट वगैरह होने वाला है दुबई किंग का, जैसे इधर की साइड आए हुए। तो बाकी बीच
नीचे की साइड देख सकते हो कितनी जबरदस्त वाली सिक्योरिटी और पूरे भरे हुए प्लेन्स वगैरह। इनकी सिक्योरिटी के लिए देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। ऐसा माननी पड़ेगी भाई, काफ़ी जबरदस्त वाला सीन लेके आए हैं भाई दुबई की। क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी खतरनाक चीज़ है। फिर लोगों इधर की साइड देखें, ये वाली देखो गन्स वगैरह, पीछे की साइड भी सिक्योरिटीज़ वगैरह, अपनी गाड़ियाँ वगैरह और प्लेन्स वगैरह में जो ये वाले प्लेन्स वगैरह हैं, इनमें कपड़े वगैरह हैं, इनके जो राइफल्स वगैरह होती है वो चीज़ें और सिस्टम सुधा पानी इन वाले प्लेन्स वगैरह में लोडेड है। बाकी गाइस पीछे की साइड देखें तो भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से हम भी अरेंजमेंट्स वगैरह अपनी जी वैगन लेके आए। एक नंबर सिस्टम सेट हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हो जी वैगन का पूरा प्रोटोकॉल लेके आए। और इनके लिए गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे हम गाड़ी मंगाने वाले हैं आई एट, जो कि थोड़ी सी हम लेट हो चुके हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, दुबई के किंग साहब आ चुके हैं यहाँ पे। किंग साहब क्या हाल है फिर, सब बढ़िया? और बताओ दुबई में क्या चल रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो तरक्की पे आपका बिजनेस वगैरह। बाकी मैं ऐसे कह रहा हूँ थोड़ी देर में आपकी गाड़ी आ रही है, जितने हम फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। और बाकी गाड़ी मतलब आ रही है, मतलब कि भारी खड़ी है वहाँ पे, जैसे आप कहोगे तो हम बुला देंगे। बिल्कुल, आप दिक्कत मत हो। बाकी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा है दुबई किंग, क्योंकि भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारी सुने रिसीव करने नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, भाई इसको इस मतलब बात से वो काफ़ी ज़्यादा खफा है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फोटो शूट वगैरह इधर की साइड करा देंगे। बाकी ये वाला जो एनिमल लेके आए आप साथ में, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये वाला जो पैंथर है ये मतलब सर्वाइव कर पाएगा लॉस सैंटोस में? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, तो इसको आप भिजवा ही दो यहाँ से। अच्छा, सर्वाइव करवा ही दोगे कैसे भी करके, क्या बात है। बाकी आपकी गन तो काफ़ी मस्त लग रही है, देख रहे हो कितनी गजब कलर की गोल्डन कलर की गन्स है। बाकी दुबई किंग मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे कुछ बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जो मीटिंग वगैरह करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्लेबॉय मेंशन पे, तो आप उधर की साइड के लिए मतलब पूरे पेपर्स वगैरह जो भी आपको लेने हैं वो आप रेडी रखना, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की बात चल रही है वो वहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। ये बात मेरे को बोलने के बोली है रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने, तो आप अपने हिसाब से देख लो सारी चीज़ें और उसके बाद बता दो। बिल्कुल, अरे सिक्योरिटी तो आपकी क्या खतरनाक सिक्योरिटी है, देखो क्या जबरदस्त है। और कई जी सिक्योरिटी का जो आउटफिट है देख सकते हो, इनकी पैंट से लेकर टोपी से लेकर इनके रुमाल तक, भाई जो ऊपर के मास्क वगैरह हैं सब मैचिंग। और ये 5 स्टार मतलब कि 5 स्टार, एक सेकंड एक बात बताना दुबई किंग, जिनके टोपी पे 5 सितारे लगे हुए हैं उसका मतलब क्या है? अच्छा, स्पेशल कमांडोज है ये दुबई के, इसलिए इन्हें 5 स्टार मिले हैं। अच्छा, रेटिंग क्या बात है। तो गाइस इनकी टोपी वगैरह पे देखते तो कितनी खतरनाक वाली 5 में से 5 रेटिंग मिली है, कि दुनिया के सबसे खतरनाक वाले कमांडोज माने जाते हैं आर्मी वगैरह हर जगह भाई ये फाइट वगैरह लेने जाते हैं। और काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं, इनका आउटफिट देखो, इनके चश्मा वगैरह देखो, इनका ना एक चीज़ देखोगे आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरे मैचिंग के आउटफिट है। देखो यहाँ पे ऐसा कलर है तो टोपी पे देखो वहाँ पे ऐसा कलर है, यहाँ पे देखो मास्क पे ऐसा कलर है, तो इधर की साइड देखो ग्रीन वाला कलर है। काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो चुका है, दुबई किंग भाई साहब लेके आ चुका है दुनिया की जबरदस्त वाली सिक्योरिटी यहाँ पे। क्या बात है भाई, काफ़ी खतरनाक सीन तो इधर की साइड हो चुका है जैसे कि आपसे लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और गाइज ये वाली सिक्योरिटी अब वहाँ पे जाने वाली है जहाँ पे हमारी पूरी प्लेबॉय मेंशन के वहाँ पे, और भाई जो बैकअप के लिए जो इनकी सिक्योरिटीज़ है वो रहने वाली है भाई हमारे जो घर हमें गिफ्ट करा था रॉयल फैमिली की छोटे वारिस ने वहाँ पे। बाकी काफ़ी खतरनाक पोज लेके देख सकते हो, स्पेशल कमांडोज भाई पूरी चारों तरफ भाई नज़र है इनकी, कि यहाँ पे कोई अटैक वगैरह भी हो तो भाई 10 मिनट में पूरी फाइट ख़त्म कर सकते हैं। बेशक कितने बंदे और एयरप्लेन्स वगैरह को भी डिटेक्ट वगैरह करने की सारी चीज़ें इधर की साइड लेके आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। भाई मेरे हिसाब से तो भाई ये जो सिक्योरिटी है भाई काफ़ी खतरनाक साबित होने वाली है लॉस सैंटोस में। और गाइज मैं तो इसकी बुकिंग अभी करा देता हूँ, भैंस के आगे भी बातचीत वगैरह कर लेता हूँ कि मेरे को ये वाली सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए दुबई किंग से। भाई साहब काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका, बड़े बड़े प्लेन्स वगैरह में आए और दुबई किंग के पास काफ़ी खतरनाक पैसा है जैसा कि आपको पता भी है। तो भाई साहब दुबई किंग के लिए, हाँ तो बोलो दुबई किंग, जो ये वाली सिक्योरिटी है ना काफ़ी मस्त तो लगी, और मैं पूरी देख के भी आ चुका हूँ अच्छे से। हाँ पसंद तो आ चुकी है, बाकी लेने का ना लेने का वो डिसीजन अभी मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी स्पेशल चीज़ें भी कि क्या क्या ये काफ़ी खतरनाक है, क्या क्या चीज़ें कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम प्लेबॉय मेंशन की उधर की साइड जाके देख लेंगे। बिल्कुल, फोटोशूट वगैरह भी होने वाला, बस थोड़ी देर आप रुक जाओ, फिर काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पे फोटोशूट वगैरह भी कराएंगे। और बाकी आपको और कहाँ कहाँ घूमना है वो भी बता दो लॉस सैंटोस में। अच्छा, हर जगह घूमना है लॉस सैंटोस में, चलो कोई दिक्कत नहीं, घुमा देंगे। बाकी प्रोटोकॉल्स वगैरह से आपको सारी जगह लेके जाएंगे, क्योंकि आपसे लोग को पता ही है सीन तो हर सिटी में हर बंदे की कहीं ना कहीं तो चल रहे होते थे, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी देख सकते हो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं दुबई किंग, और साथ में लेके आ चुके हैं स्पेशल कमांडोज यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के साथ, काफ़ी खतरनाक वाले इनका वेलकम किया है। तो ठीक है, इस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जो ये वाली जबरदस्त वाली सिक्योरिटी और हमारे दुबई किंग जो पूरी चौड़ में आए लॉस सैंटोस में
क्या ये टिक पाएंगे यहाँ पे या नहीं टिक पाएंगे। वाकई भाई काफ़ी स्पेशल चीज़ तो लग रही है इनके भाई, टोपी वगैरह देख के, फाइव स्टार वगैरह देख के काफ़ी खतरनाक चीज़ तरीके से तो भाई इन्होंने पोजिशन वगैरह ली, तो सारी चीज़ें काफ़ी खतरनाक है। बाकी देख सकते हो भाई सबसे दुनिया की खतरनाक वाली सिक्योरिटी हम लेके आ चुके हैं और दुबई किंग भी आ चुके हैं भाई साहब। चलो बढ़िया है, तो ठीक है गाइस फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। जब तक अच्छा फिर अगली गेड और 500 लाइक्स का जो एम है अपना लाइक्स का वो फटाफट कंप्लीट करा दो। और बाकी भाई सिक्योरिटी वगैरह आप सब लोगों को दिखाई दी है और गाइज हमें सिक्योरिटी को फोन से भाई सिक्योरिटी से भिड़वाना चाहिए जिससे हमारी सिक्योरिटी इनको हरा सके। बाकी आप सब लोगों को सारी चीज़ें तो बताई देना कौन सी सिक्योरिटी किससे फाइट करवाए और कौन सी सिक्योरिटी काफ़ी खतरनाक हो सकती है इनके सामने, और दुबई किंग से हमें क्या क्या कराना चाहिए और क्या क्या खरीदना चाहिए लॉस सैंटोस में, वो सारी चीज़ भी आप सब लोग बता देना। जब तक ले चाहूँगा फिर अगली घड़ी बाय बाय। अब चलते हैं आप सब लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने, लेट्स गो। तो गाइस हमारे प्यारे कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू ब्रो। क्या बात है, पाकिस्तान से हमारी वीडियो देखी जा रही है, क्या बात है। सिस्टम ही हैंग कर दिया मिस्टर ईगल गेमर ने। तो भाई बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी ले लो प्लीज़ प्लीज़, माई टेक माई कमेंट प्लीज़। बिल्कुल ले लिया आपका कमेंट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, लव फ्रॉम इंडिया। वैसे हमारी साइड से आपसे लोगों को भी लव फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे सिस्टम सेट कर दिया, चलो बढ़िया है। प्लेन ले आओ, ओके भाई प्लेन भी ले आएंगे। बाकी आज आपसे लोगों को देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्लेन, चलो बढ़िया है भाई। काफ़ी ख़तरनाक सीन हो चुका है, अंडर वाटर माफिया वाला मैंशन का ब्रिज पे सिक्योरिटी भर दो, ओके भाई। तो मैंने आप आज की वीडियो में जैसे कि बात करी थी भाई कि हम वहाँ पे सिक्योरिटी लगाएंगे काफ़ी जल्दी और काफ़ी डेंजरस वाली। राजस्थानी गेमर ओपी, थैंक यू ब्रो, क्या बात है, सिस्टम ही सेट कर दिया है, चलो बढ़िया है। पर्सनल बॉडीगार्ड, ओके भाई पर्सनल बॉडीगार्ड भी हम काफ़ी जल्दी ले लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे, दिक्कत मतलब आप। बाकी काफ़ी ख़तरनाक और भी चीज़ें लेने वाले हैं। ओपी वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, क्या बात है, सिस्टम सेट कर दिया है, तो चलो बढ़िया है। बिग माफिया से सिक्योरिटी लाओ, ओके भाई बिग माफिया से भी कर लेंगे सिस्टम सेट। बाकी आज आपने देखा दुबई किंग से हम सिक्योरिटी वगैरह लेने वाले हैं। वसीम गेमर के वर्ल्ड में जाओ प्लीज़, ओके भाई वसीम भाई के वर्ल्ड में भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही, सिस्टम पानी सेट कर देंगे। मेहंदी डिज़ाइन उसके डिज़ाइन वाले, मतलब समझा नहीं भाई। भाई आप ना होटल का बिजनेस करो, बिल्कुल भाई, ओके ब्रो, ओके ब्रो भाई, बिल्कुल हम होटल का बिजनेस करने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिल, क्या बात है, क्या बात है, आई लव यू भाई मेरे भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपको इमोजी दे देते हैं दिल के। चलो भाई सिस्टम यहाँ पे भी सेट हो चुका है भाई। आप बीबी गेमिंग की हाईटेक गन यूज़ करो, ओके भाई कर लेंगे, चलो वो भी यूज़ कर लेंगे, दिक्कत क्या ले रहे हो। भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम अभिषेक है मेरे भाई, ओके। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, एक बार मेरा नाम ले लो गौरव, गौरव भाई क्या हाल है, ओके भाई बिल्कुल सिस्टम सेट कर दिया। और घर में सब बढ़िया गौरव भाई, सब सिस्टम सेट कर रहे हो आप भाई। फेस कैम करो यार, फेस कैम मैं करता हूँ तो मैं इंजॉय नहीं कर पाता वीडियो, मतलब मज़ा नहीं आता मेरे को, मतलब समझ रहे हो, सिस्टम थोड़ा समझो। बाकी फेस कैम अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, पूरा फोटो वगैरह डाल रखे इंस्टाग्राम पे। नाइस वीडियो भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, क्या बात है भाई, कमल शर्मा भाई सिस्टम ही एंग कर दिया यहाँ पे। तो गेमिंग की कर रोज़ रोज़ गोल्ड वाली लो, ओके भाई रोज़ रोज़ गोल्ड वाली, चलो ले लेंगे भाई। इतनी सारी सिक्योरिटी लेके फ़ायदा क्या, जिसका अपने साथ सिक्योरिटी ना रख सबको। तो भाई देखो हमारी सिक्योरिटी, अब इतनी सिक्योरिटी का लेने का क्या फ़ायदा, देखो हमारे पास मेंशंस कितने सारे हैं, हमारे पंगे कितने होते हैं आपसे लोगों को पता है, तो इसलिए हमने रखा है। क्या आप मुसलमान हो है, अरे क्या भाई मुसलमान क्या हिंदू भाई, सबसे पहले इंडियन हूँ मैं मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू मेरे भाई, मंदीप भाई थैंक यू ब्रो, क्या बात है मंदीप भाई, चलो सिस्टम ही सेट कर दिया, चलो सही है। यहाँ पे साड़ी की सारी गाड़ियाँ बुलेट रोबोट वाली सिक्योरिटी वाली, ओके भाई। फ्रैंकलिन को हाई कमान का नया हेड बना, ओके भाई आप तो एक तो हिंदी में भाई ये तगड़ी कमेंट करते हो यार, सिस्टम ही सेट करते हो। प्ले स्टोर का एक प्ले स्टोर क्या है ये, भैंस की आंख भाई क्या ही कर दिया तुमने इतने सारे कमेंट, अरे भैंस की आंख, सिस्टम ही सेट कर दिया भाई ने तो। वाओ नाइस वीडियो बांग्लादेश से, थैंक यू सो मच मेरे, थैंक यू ब्रो, क्या बात है, बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं। डिस्कॉर्ड लिंक प्लीज़, तो गाइज आपको डिस्कॉर्ड लिंक मिल जाएगा हमारा, कहाँ पे मिलेगा, आप चैनल पे जाओगे जहाँ पे बैनर होगा, जहाँ पे इंस्टा का लिंक होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। मिलिट्री बेस को हवा में उड़ा दो, लोल ब्रो भाई मिलिट्री बेस को हवा में उड़ा देंगे तो भाई सिस्टम सेट हो जाएगा। ओपी ब्रो लव फ्रॉम हैदराबाद, ओके ब्रो यू आर बेस्ट मेरे भाई, चलो बढ़िया, चलो सही है। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भाई, राम राम, क्या हाल है भाई, सिस्टम सेट है जी। राजस्थानी गेमर बेस्ट है भाई, थैंक यू सो मच मेरे, थैंक यू ब्रो, क्या बात है, सिस्टम सेट कर दिया यहाँ पे हैं।
विशाल का नाम लेकर वीडियो देखने को कहो, भाई विशाल का नाम लेके देख लो वीडियो, क्या बात है, सिस्टम है विशाल भाई का। भाई मेरे फ़ोन का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, बिल्कुल भाई मेरी वीडियो देखने के लिए करवाना ही पड़ेगा ब्रो। जी वैगन ब्लैक वाली ओके ब्रो, भाई वो भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। सुप्रा एम के 5 ले लो अनुजा कुमारी, बिल्कुल भाई ले लेंगे वेरी सून। बाकी काफ़ी जल्दी लेनी है हमें सुपर कार्स वगैरह भी, जैसे कि आपने देखा अभी SUVs लिए हमने सिक्योरिटी के लिए, तो सुपर कार्स भी हम ले लेंगे। चलो बढ़िया, यहाँ पे PLIC मतलब भाई न्यू अल्फा सिक्योरिटी वर्सेस BB गेमिंग की सिक्योरिटी प्लीज। ओके भाई करवा देंगे, ये भी करवा देंगे अगर आपसे लोग कह रहे तो, वोट फॉर NSG सिक्योरिटी। ओके भाई कर देंगे भाई, NSG सिक्योरिटी का भी सिस्टम है, वोट फॉर NSG सिक्योरिटी। चलो बढ़िया, स्पैम ही कर दिया राजस्थानी गेमर OP। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, क्या बात है। सिस्टम सेट करेगा, BB गेमिंग के साथ वीडियो बनाओ। ओके भाई 6.27 पे क्या था ऐसा, याद नहीं है भाई अभी। भाई रोटर्स ले लो, ओके फरारी ले लो, ओके भाई लैम्बोर्गिनी टर्जो ले लो, ओके भाई दुबई किंग से स्कूटी लव, ओके भाई आई लव यू मेरे भाई, क्या बात है। चलो भाई मोजी दे देते हैं भाई को, अरे ये वाले नहीं देने, दिल वाले देने हैं। ओके चलो भाई ये लो भाई, आप भी खुश रहो। चलो शेडो गेमर्स की सिक्योरिटी मंगाओ। ओके भाई शेडो गेमर्स की कौन सी सिक्योरिटी मंगानी है वैसे, ये भी देखनी पड़ेगी। अंडरवाटर माफिया के मेंशन का ब्रिज पर सिक्योरिटी भर दो। ओके भाई भर देंगे, थोड़ा सा टाइम दो यार, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे हम अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीदेंगे तो उधर के लिए भी हम खरीदेंगे। चाहिए ये क्या है, रॉयल इलाइट्स का गार्ड चाहिए। ओके ब्रो चलो रॉयल इलाइट वाली सिक्योरिटी भी हमें खरीदनी है, काफ़ी टाइम से कह रहे हो तो वो भी देखते हैं भाई। अंडरवाटर माफिया वाला मेंशन के लिए रॉयल इलाइट शेडो के लिए, ओके भाई शेडो से लेनी है भाई। एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर सिक्योरिटी, ओके भाई एयरक्राफ्ट कैरियर भी खरीद लेंगे, क्या दिक्कत ले रहे हो। 27th कमेंट, क्या बात है, चलो बढ़िया हाल है भाई। टेक्नो विहान सिक्योरिटी भाई कुला मतलब अंकित प्लेस की सिक्योरिटी लो, अंकित भाई की। चलो ओके भाई अंकित भाई की भी ले लेंगे, क्या दिक्कत मान रहे हो आप भाई। गैंग बनाओ, ओके ब्रो गैंग भी बना लेंगे, कैसी दिक्कत ले रही है आपने। गोस्ट सिक्योरिटी बाय करो, गोस्ट सिक्योरिटी हमारे पास पड़ी है, बाकी और हमें बाई करनी होगी तो देखते हैं आगे का। हम बिहार से पानी का कमेंट ना है, पानी तो कमेंट ना कर बाका, मत समझा नहीं भाई। माय नेम के साथ गेम की वीडियो करो, मेक इंडिपेंडेंस। ओके MD भाई ऐसे ही अपडेट करते रहो सिक्योरिटी। ओके भाई ओके ब्रो कोई दिक्कत नहीं है, नाइस वीडियो मेरे भाई RS लवर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके थैंक यू ब्रो, क्या बात है RS लवर भाई, सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी दो। ओके भाई बिल्कुल आएगी नेक्स्ट वीडियो, आप सब लोग के सामने आ चुकी होगी भाई, वीडियो जल्दी दो। ओके भाई स्कॉर्पियो NSG को दे दो भाई, स्कॉर्पियो वाले NSG को दे सकते हैं, बिल्कुल यार सही है। वैसे NSG वाली सिक्योरिटी के ऊपर जमेगी भी अपनी वाली 1.13 ये कौन सी टाइम स्पेंड, ये क्या टाइम स्टैम्प डाल रखी है आपने, यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ें तो देख सकते हो भाई जाके। रॉयस रॉयस मेंटली बेबैक लैम्बोर्गिनी मैकलेरन बुकाटी फरारी मिलेनियर बिलियनेयर फर्स्ट कमेंट थर्ड फोर्थ चूज विच कार आंसर एंड रिप्लाई लव यू भाई। ओके भाई तो सबसे पहले हम इनमें से रखेंगे भाई बुकाटी को, फिर उसके बाद हम रख सकते हैं रॉयस रॉयस को, क्योंकि बुकाटी की जो गाड़ी आती है चिरोन वो काफ़ी महंगी आती है और काफ़ी तेज भी भगती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कार्स में से। और उसके बाद रॉयस रॉयस के बाद हम लैम्बोर्गिनी रख सकते हैं, फिर मैकलेरन रख सकते हैं और फिर लास्ट में मेबैक रख सकते हैं। टेक्नो विहान भाई ऑक्शन में गए थे तो वहाँ एक मस्कुलर सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी को लीजिए प्लीज़। ओके ब्रो भाई वो भी ले लेंगे, दिक्कत कैसी ले रहे हो अनीता जी। चलो हाँ भैया प्लीज़, ओके भाई ओके चलो भाई मेरे को आपका वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी वीडियो बीच ओशन में देख रहा हूँ, सामने मैं अफ्रीका में हूँ और वहाँ से देख रहा हूँ, क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, क्या बात है समुद्र के बीचों बीच देख रहे हो, चलो बढ़िया भाई बीच के साइड में मज़े ले रहे हो, मेरी वीडियो देख के मज़े उठा रहे हो वेकेशंस के। मोहित गेमिंग को LRUBY से बचा लो, ओके भाई अब क्या सीन हो गया, मोहित भाई का देखना पड़ेगा भाई, बचाना पड़ेगा उनको भी। ओपी थैंक यू सो मच मेरे भाई, भाई आई लव यू टू मेरे भाई, क्या बात है सिस्टम ही सेट करेगा, चलो बढ़िया है। तो ये लो आपको भी दो दिल हमारी तरफ से भाई, लिबर्टी सिटी में जाकर फाइटर जेट खरीदो। ओके भाई लिबर्टी सिटी से, नाइस आइडिया, हम करेंगे जरूर करेंगे ये वाला काम, और चौथा का लाइक हमारा बनता है इस वीडियो पे। OP गेम प्ले, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, चलो बढ़िया। यहाँ पे भी सिस्टम सेट कर दिया महेश भाई ने, बाकी यहाँ पे लास्ट में दिल और इसी के साथ वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो हो गया खत्म। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ऐसे कमेंट वगैरह करते रहो, ऐसे सपोर्ट वगैरह करते रहो, काफ़ी खतरनाक वाले कमेंट्स और काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन दिए इस वाले वीडियो में, तो आई अप्रिशिएट यू गाइस। मेक श्योर कि अगले वीडियो में भी ऐसे भाई वीडियोज़ वगैरह पे कमेंट वगैरह करने हैं, और भाई खतरनाक खतरनाक चीज़ें और भी आने वाली, और दुबई किंग से अभी हमें और क्या क्या लेना चाहिए
वो सारी चीज़ें भी आपसे लोग बताई दोगे। तो फटाफट 500 लाइक्स का इस वीडियो पे एम है, तो वो भी फटाफट कंप्लीट करवा दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में #58 में, तो उसके लिए तबाही वाली वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या चीज़ें हमें दुबई किंग से लेनी चाहिए। और 500 लाइक्स का इस वीडियो पे एम रखते हैं, तो वो भी आपसे लोग कंप्लीट करा दो फटाफट। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में धमाके वाली चीज़ करते हैं और 100 कमेंट्स हो जानी चाहिए इस वीडियो पे भी जिसको देख रहे हो। तो चंगा फिर अगली घड़ी, बाय बाय।